नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका क्वेश्चन काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में भी। वैसे भी हमारी लैंग्वेज वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे 30 नंबर की लैंग्वेज होगी, जिसमें आपकी हिंदी 10 नंबर की होगी, इंग्लिश 10 नंबर की होगी, और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे 18 रीजनल लैंग्वेज दी गई हैं, तो उसमें से जो भी आप रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं वो आपका 10 नंबर का आएगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है जनरल इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आपके वर्ब आएंगे, मतलब जो क्रियाएं होती हैं, इसके टेंस आएंगे, ठीक है, और उसके बाद वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इसके बाद आर्टिकल आएंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आपका पूछा जाएगा, इसके बाद एडवर्ब आएगा, एरर करेक्शन आएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, ठीक है, आपको सेंटेंस दिए जाएंगे उसको आपको अरेंज करना है, अनसीन पैसेजेस जो आपके अपठित गद्यांश होते हैं वो आएंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिखना है। इसके बाद आपकी वोकेबलरी आएगी, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, इसके बाद ग्रामर, ईडियम्स एंड फ्रेज। तो ये जो वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, ये आपका कितना होगा, 10 नंबर का, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपकी 10 नंबर की आएगी हिंदी, ठीक है, जिसमें आपकी क्या आएगी, इसमें हम लोग देख लेते हैं, आपकी संधि आएगी, समास आएगा, विलोम शब्द आएंगे, ठीक है, पर्यायवाची शब्द आएंगे। इसके बाद जो समान अशुद्धियाँ पूछी जाती है, जैसे कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें अशुद्ध क्या है, उसको आपको जो भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से करेक्ट बताना होगा, ठीक। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, कोई एक आपको वाक्यांश दे दिया जाएगा, उसके लिए एक शब्द कैसे होगा या क्या होना चाहिए 4 ऑप्शन में से वो। इसके बाद मुहावरे, आपकी लोकोक्तियाँ, इसमें भी आपका अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन आएगा 10 नंबर का। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे जो 10 नंबर की आपकी रीजनल लैंग्वेज आएगी, ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे मेन प्रश्न यही आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे इस प्रकार से आपकी यहाँ पे देख सकते हैं, बंगाली है, डोगरी है, इंग्लिश है, गारो, ठीक है, आपकी गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, इसके बाद है कश्मीरी, उड़िया, नेपाली, मीजो, मराठी, इसके बाद कौन सी, मणिपुरी, मलयालम, इसके बाद खासी, संथाली, तेलुगु, उर्दू। तो ये आपकी कुल मिला के 18 जो रीजनल लैंग्वेज, मतलब जो आपकी लोकल एरिया के लैंग्वेज है, जिसे जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे जो आप बचपन से जो लैंग्वेज सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज। तो वो आपकी कितने की आएगी, 10 नंबर की। तो आपको लैंग्वेज वाले पार्ट समझ में आ गया, कितने कितने नंबर का आएगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल 30 नंबर का आएगा, जो किस प्रकार से बटे होंगे, 10 नंबर की जनरल इंग्लिश, इसके बाद आपकी 10 नंबर की जनरल हिंदी, मतलब सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, इसके बाद रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपकी लोकल एरिया की लैंग्वेज है। सिंपल सी भाषा में आप समझेंगे, जब आप छोटे होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उससे पहले जो आप लैंग्वेज बोलते हैं वही आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, फिर से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ के देख लेते हैं, जिससे बच्चे के जो भी डाउट है वो एकदम ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो आपकी लैंग्वेज वाला पार्ट है, किसमें, हॉस्टल वार्डन का जो है, आपका हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में, ठीक, जो आपका सिलेबस दिया गया है, तो उसमें आपकी क्या पूछी गई है, जो लैंग्वेज है आपकी, लैंग्वेजेस कितनी पूछी जाएंगी, ठीक है, 3 होंगी, जिसमें से आपकी एक होगी हिंदी, ठीक है, दूसरी होगी इंग्लिश, और तीसरी कौन सी होगी, आपकी जो भी रीजनल या लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज, ठीक। तो जो आपकी हिंदी है, सबसे पहले हम लोग हिंदी की बात करेंगे, ये कितने की आएगी, 10 नंबर की, ठीक है। जो जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे हॉस्टल बॉर्डर में, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता है, किसी स्टेट से बिलोंग करता हो, तो वो 10 नंबर की आपकी रीजनल लैंग्वेज आएगी। इसके बाद जो आपकी इंग्लिश है, ठीक है, तो ये भी आपकी कितने आएगी, 10 नंबर की। ये भी चाहे हिंदी भाषी है, इंग्लिश भाषी है, या फिर गुजराती, मराठी, कन्नड़, जो भी 18 लैंग्वेज दी गई हैं अभी मैंने आपको बताया है, उसमें से कोई भी है, तो ये 2 हैं जो है वो कंपलसरी है,
मतलब ये 20 नंबर जो है आपके कंपलसरी है। इसके बाद आपकी जो तीसरी लैंग्वेज की हम लोग बात करेंगे, तीसरी कौन सी होगी, रीजनल लैंग्वेज, जो लोकल एरिया की आपकी लैंग्वेज बोली जाती है वो, मतलब मान लो आप तमिल से हैं तो तेलुगु वगैरह बोली जाती है उधर पे, ठीक है, तो वो कितने की आएगी आपकी, 10 नंबर की, ठीक है। तो ये हो गया। अब बच्चों को सवाल आता है कि हिंदी नहीं आती है या फिर इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं, प्लस जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर तो आप पूरे पूरे कर सकते हैं 30 में से, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक, इसके तो आप क्या करेंगे, हिंदी की आप कमांड अपनी कर सकते हैं, इसके जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उस पर आप कमांड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। तो मेन यही पॉइंट है जो काफी दिक्कत कर रहा है बच्चों को, 10 10 नंबर की ये सब आएंगे। तो आप लोग ये घबराइए मत कि जो हिंदी भाषी है उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, कि जो हिंदी भाषी है उनके लिए इंग्लिश उतनी टफ हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, सबके साथ होती है, तो सब बच्चों के अंदर ये डर है, तो उसको आप डर ना बना के अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करें। मतलब 20 नंबर जो है आपके, आप बिल्कुल कंफर्म समझे कि 20 में से तो 20 में से करना ही है, ठीक है, समझ गए। तो 30 में से आपके 20 नंबर तो सबके लिए है, सबके लिए मतलब आप 30 भी कर सकते हैं। जैसे अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो वो जैसे हिंदी में थोड़ा बहुत अगर समझते हैं तो वो हिंदी के कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, और अपनी रीजनल लैंग्वेज के तो सारे बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, इसी चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रही थी। तो बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इसको सही से समझा दिया जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो आपकी लोकल एरिया की लैंग्वेज है, मतलब ये जो आपकी दी गई है 18 लैंग्वेज, इनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका आपको बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से, जो सेनोनिम्स है मतलब पर्यायवाची, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग उदाहरण के तौर पे, कोई गुजराती भाषी है, मतलब गुजरात उसकी, गुजराती उसकी रीजनल लैंग्वेज है, तो गुजरात जो गुजराती जो भाषा है उसके आपके सिनोनिम्स एंटोनियम्स, ठीक है, उसी भाषा में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा उसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं उस, ठीक है। इसके बाद एरर डिटेक्शन, आपकी रीजनल लैंग्वेज में एरर डिटेक्शन पूछा जाएगा, स्पेलिंग एरर पूछी जाएंगी, ठीक है। और ये किसका होगा, जो आपके हायर सेकेंडरी लेवल है उस लेवल तक का आपका पूछा जा सकता है। जैसे उन्होंने बोला भी है कि जो आपकी हिंदी इंग्लिश को छोड़ के जो भी रीजनल लैंग्वेज है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो सबके लिए कॉमन है, तो जो रीजनल लैंग्वेज है उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। जैसे मान लो आपकी मणिपुरी रीजनल लैंग्वेज है, तो मणिपुरी रीजनल लैंग्वेज का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, जो मणिपुरी वाले बच्चे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी भाषा अच्छे से सही से चुने, जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो वो लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, थोड़ा जो जैसे अब किसी की हिंदी रीजनल लैंग्वेज है तो उसको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी हिंदी है और इधर भी हिंदी, तो उसके लिए 20 नंबर की हिंदी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो हिंदी इस प्रकार से नहीं पूछी जाएगी, उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, ठीक। तो समझ में आ गया, आपकी लैंग्वेज के जो पार्ट है वो इसी प्रकार से रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा ये यहाँ पे दिया गया है, मैंने आपको बता भी दिया है। बाकी आप लोग सिलेबस अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहां से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया लैंग्वेज वाली चीज, आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लर्निंग टुगेदर को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। और मैं भी बहुत मोटिवेट होती हूँ कि आप लोगों के लिए और भी अच्छा किया जाए। तो ये आपका जो रीजनल लैंग्वेज और लैंग्वेज वाले पार्ट से क्वेश्चन था, जो भी डाउट थे उसके ऊपर ये वीडियो था, आप लोग देख सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसी प्रकार बने रहिए लर्निंग टुगेदर से, धन्यवाद।